हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आया स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका बार बार मुझसे कंप्लेन रहता है कि सर कोई ऐसी जॉब लेकर आए जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल आए जाए फिर एग्जामिनेशन हो। तो भाई ये ऐसी जॉब है जिसमें आप अप्लाई करते ही आपके पास आपके टेस्ट का लिंक जनरेट होके आ जाएगा और फिर तुरंत आप 48 आवर्स के अंदर आप टेस्ट दे के इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। बल्क हायरिंग निकली है भाई और ये वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज वर्क फ्रॉम ऑफिस, मैं दोनों बता दूंगा कि कौन सा वर्क फ्रॉम होम है कौन सा ऑफिस। आप दोनों पे अप्लाई मीन्स दोनों पे नहीं, आप किसी एक पे आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो और अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। ठीक, इसमें सैलरी पैकेज कितना होना वैसे टायर सिटीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन एक अराउंड एंड अराउंड अगर मैं एक एवरेज मानूँ तो आप मान के चलो 22 से लेके 28,000 रुपीज़ तक आपकी सैलरी होने वाली, इंक्लूडिंग योर नाइट शिफ्ट, इंक्लूडिंग योर मील कार्ड, इंक्लूडिंग योर आपका जितना भी वाईफाई का रिम्बर्समेंट होता है ये सब कुछ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपके घर पे लैपटॉप वाईफाई सारा और एक ऑफिस सेटअप करा के देने वाली। जब मैं लैपटॉप बोलता तो इसका ये मतलब नहीं कि लैपटॉप भेजो, नहीं, उसका मतलब ये है कि सिस्टम कंप्यूटर आपके घर पर भिजवा देगी कंपनी। ठीक है, तो 5 डेज वर्किंग होता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, सीखने वाली है। इस पर क्लास 12th वाले बंदे भी पास कर सकते हैं। क्यों इसलिए मैं इसका बार से मीन्स दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, रीज़न इसका ये है कि क्योंकि बल्क हायरिंग स्टेज का जो टेस्ट है अब की बार टेस्ट इसका थोड़ा सा इजी मॉड्यूल में कर दिया गया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा मॉडरेट था लेकिन अब एकदम इजी मॉड्यूल, एक इजी टेस्ट हो रहा है अब। इसलिए अब मोस्टली जितने बच्चे हैं जिन लोगों को जॉब नहीं मिली भाई वो इस वीडियो को जरूर देखो और जरूर इस पर अप्लाई कर देना। ठीक है ना, देखिए जो इसकी वेबसाइट की लिंक है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई, आप देख लेना। ठीक है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, कई जो चीज़ें हैं वाई यू लव दिस जॉब, क्या क्या चीज़ें, कई चीज़ सीखने को मिलती है, अच्छा इन्वायरमेंट है, फ्री जॉब ट्रेनिंग है, तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती है, कई बेनिफिट्स हैं, कई चीज़ें जैसे मैंने बताया तो आप देख सकते हो यार। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं आपको एक और बार बता दे रहा हूँ, जो आपका जैसे आप रिटन टेस्ट दे ले तो 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो एक एक एचआर का एक राउंड होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी एक इंटरव्यू, नहीं, वो इंटरव्यू नहीं, तो वो बस सैलरी नेगोशिएशन और ये सब चीज़ों के लिए एक डिस्कशन होता है जिसमें आपको जॉब समझाई जाती है, तो उसको एक इंटरव्यू मत लेना। ठीक, तो इस साइट पे आप नीचे आके देख सकते हो दोनों दिया हुआ है, ऑफिस बेस्ड जॉब भी है और रिमोट जॉब भी है। ऑफिस बेस में अभी सिर्फ हैदराबाद की लोकेशन में जॉब निकली हुई है, तो अगर जिस जो जो भाई लोग अपने हैदराबाद के हैं वो लोग इसमें जाके अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक, रिमोट जॉब पे आप चाहो क्लिक कर लो। ठीक, रिमोट जॉब पे आप जब क्लिक कर लोगे तो इसका पेज जो है खुल के आ जाएगा। रिमोट जॉब के लिए आप यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, रिमोट जॉब कैसी होती है, क्या करना पड़ता है, कस्टमर केयर से डीलिंग करनी पड़ती है, सिंपल यार आप अमेज़न के बारे में जानते ही हो। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है, तो भाई सामान जब तक आपके वेयर हाउस से निकल के किसी कस्टमर तक ना पहुँचे, कस्टमर की कोई जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारे रिजॉल्व, तो ये सब कई चीज़ें होती हैं, आप लोग खुद इसके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, जो रैंक है इसकी वर्चुअल कस्टमर सर्विस असिस्टेंट की है। ठीक, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन अमेज़न नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कई ठो इसमें कई यहाँ पे इसके रैंक्स निकली हुई हैं, मैं एक दो ठो देख लेता हूँ, जैसे मान के चलिए मैं ये वाला देख लेता हूँ, एक दो फिक्स है, रिमोट लोकेशन है, ये दिल्ली के लिए निकली हुई, जो बंदे अपना दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं तो यहाँ पे तमिलनाडु में रहता हूँ, मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, तो भाई आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से आप साउथ इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, मीन्स आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं आती तो भाई मत करना। ठीक है, वहीं पर आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है तो आप, जैसे मैं UP का हूँ मुझे हिंदी आती तो मैं दिल्ली NCR में अप्लाई कर सकता हूँ, दिल्ली में अप्लाई कर सकता हूँ ईजिली। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं लैंग्वेज की जो बेसिस है वो आप देख लेना। ठीक है, वही सेम चीज़ें जो मैंने बताई है, कैसे क्या करना, 18+ होना चाहिए बच्चे को, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हार्ड वर्किंग, कई कई चीज़ें हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देखती है, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस 1200 रुपये मिलता है इंटरनेट अलाउंस का, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, आपको फिर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस सेक्शन में आपकी हायरिंग होगी, जॉब आप अप्लाई करोगे, एक वर्क असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर एक प्री हायरिंग ओरिएंटेशन, वही HR का एक राउंड होता है जिसमें HR आपको सारी बातें समझाता है, उससे आपसे डिस्कस करते हैं, तो ये सब चीज़ें, और उसका बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इजी प्रोसेस अब कर दिया गया है इसका। तो इसलिए भाई लोग आप लोग अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर से दोबारा ये सब डिटेल समझाई जाएगी, उसके बाद से फिर यहाँ पे आप नीचे आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा सारे टर्म्स कंडीशन और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मांगेगा, सो दैट वो आपके पास एक OTP भेज सके। फिर उसके बाद दोबारा से फॉर्म खुल के आएगा, कुछ असेसमेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे पूछेंगे, डिटेल्स आपके पूछेंगे रहेंगे, एटलीस्ट 20-25-26 क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे पूछेंगे, 4-5 पेजेस में रहेंगे, उसके बाद से वो आपको टेस्ट की लिंक जनरेट करके दे देगा, आप अपने सिस्टम पर दे सकते हो। ठीक,
तो ये सब चीज़ें, हाँ ये टेस्ट जो है ये सिर्फ सिस्टम पे दिया जा सकता है। तो भाई इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि भाई हम सिस्टम पे ही टेस्ट दें, क्योंकि आप वैसे मोबाइल पे दे रहे हो तो शायद चले ना चले, ठीक। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, और आपको आई होप सो समझ में आया होगा इसके। लेकिन अलावा जैसे दिल्ली के हैं, दिल्ली के अलावा भी कई और लोकेशंस में भी जॉब निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये जैसे यूपी का आ गया, तो यूपी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपका जो लोकेशन है नियर बाय हो, तो आप उस पर ज़रूर अप्लाई कर देना। आई बिलीव कि जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है भाई, आप बिंदास कमेंट करो, मैं सारे कमेंट को देखता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।